सभा के सांसद श्री राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार में वरिष्ठ मंत्री आतिशी मालना, स्वागत है आप दोनों का। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की कोख में से निकली पार्टी अब अपने आप को भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में लिप्त पाती है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले और बाद आपका क्या होगा, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एजेंडा आज तक के इस मंच पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दो युवा लेकिन वरिष्ठ नेता। ऐसा कमी होता है कि युवा भी हो लेकिन वरिष्ठ का दर्जा भी साथ ही मिल जाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का। राघव, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठे, आप लोगों का वादा था, आप लोगों का प्रॉमिस ये था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए पब्लिक लाइफ में आए हैं। अब आपके तीन तीन नेता तो जेल में हैं, आपके मुख्यमंत्री किस दिन वहां पहुंच जाए इसका कोई पता नहीं। ये क्या हो रहा है कि करप्शन के खिलाफ लड़ती हुई निकली एक पार्टी अब करप्शन में ही अपने आप को लिप्त पा रही है? राहुल जी, इस देश में जेल का खेल जो चल रहा है वो हमें समझना होगा। आज के समय यदि कोई विपक्ष का नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ जितने मुकदमे चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं, कोई जेल कोई एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता भाजपा ज्वाइन करने से मना कर देता है तो उस पर आरोप लगते हैं, एजेंसियां रेडे डालती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उसका एक बड़ा ही रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे मुझे लगता है कि बात पूरी क्लियर हो जाएगी। 2016 में इसी सरकार ने, इसी भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़े नेता को गिरफ्तार किया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में। 2 साल वो नेता जेल में रहा और बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में उस बड़े नेता को बेल मिली। 2023 में उस नेता ने भाजपा ज्वाइन कर ली और इसी हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी ने सारा मुकदमा जो उस नेता के खिलाफ डाला हुआ था वो वापस ले लिया। मैं बात कर रहा हूं छगन भुजबल की। ये उदाहरण है भाजपा किस प्रकार से विपक्ष में जब कोई होता है उसे गिरफ्तार कर जेल में डालती है और अपनी पार्टी में आता है तो उसके खिलाफ सारे मुकदमे बंद कर देती है। मैं आपको शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार से लेकर नारायण राणे से लेकर छगन भुजबल की सारी कहानियां गिनवा सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज इस देश में ये जो जेल का खेल चल रहा है वो ये है कि अगर आप भाजपा में हो तो आप पाक साफ हो, भाजपा के विरुद्ध हो तो आप पे भ्रष्टाचार का लेबल लगा दिया जाएगा। और मैं एक चीज और बोल दूं, अगर आज मेरी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये तीनों भाजपा ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर दें तो तीनों बाहर आएंगे, केंद्र में बड़ी मंत्रिमंडल उन्हें दिया जाएगा और हो सकता है इनमें से किसी एक को भारत रत्न भी दे दिया जाए। इस बात में दिक्कत यह है कि अगर कोई आरोप ना होता या आरोप में, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में ऑर्डर आया तो उसको पढ़ा, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि टेंटेटिवली हमें प्रमाण मिले हैं, वो बात कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 14 होलसेल लिकर डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक्सेस प्रॉफिट, मतलब वो कोर्ट में जब जब ऑर्डर आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के आरोप हैं उसमें वो तथ्य मान रहे हैं, प्रमाण पा रहे हैं। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होता तो शायद ये दिन आते नहीं। देखिए राहुल जी, आज अगर आप इस देश के कानून को देखिए, जो कानून वैसे प्रक्रिया होती है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और अगर बेल मिलना ना मिलना की जिम्मेदारी प्रूव करने की आपको बेल नहीं देनी है, ये प्रोसिक्यूशन की होती है। ये ना सिर्फ हमारे देश का पर दुनिया भर का कानून है। इसमें एक एक्सेप्शन हमारे देश में करी गई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। आपको पता है क्यों? जब इंडिया ने इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया ऑन काउंटर टेररिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ नारकोटिक्स ट्रेडिंग, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया कि कहीं गलती से पैसा आतंकवाद में ना चला जाए, कहीं गलती से पैसा नारकोटिक्स ट्रेडिंग में ना चला जाए। इसलिए PMLA के कानून को अलग बनाया गया कि बेल मिलना अक्यूज्ड का अधिकार नहीं है, अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है तभी उसको बेल मिलेगी। अब आप मुझे बताइए कि जो कानून नारकोटिक्स ट्रेडिंग और टेररिज्म में फंडिंग जाने के लिए रोकने के लिए बना था, आज उस कानून के तहत
जो पॉलिटिकल लीडर्स जिन पे केस हुए हैं उसमें 90% से ज्यादा विपक्ष के नेता हैं। अब इज दिस अ कोइंसिडेंस कि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कानून के प्रावधान की वजह से, सारे विपक्ष के नेताओं पर उसी आधार पर केस हो रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी राघव ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, आप उसे देखिए, तो जब तक कोई नेता विपक्ष में होता है तब तो उस पर PMLA के केस लगते हैं, तब CBI और ED उसको प्रोसिक्यूट करती हैं। जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, बिल्कुल पाक साफ निकल के आ जाता है। आप शुभेंदु अधिकारी का एग्जाम्पल लीजिए, उसके शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, चिटफंड स्कैम। शुभेंदु अधिकारी के स्कैम्स पर तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव लड़ डाले, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, पाक साफ हो गए, सारे ED के केस खत्म हो गए, सारे CBI के केस खत्म हो गए। छगन भुजबल का उदाहरण राघव ने डिटेल में शेयर कर ही दिया। एक और उदाहरण है हेमंत बिस्व शर्मा का, उनके भ्रष्टाचार के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बुकलेट भी निकाली हुई थी, और फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो भी पाक साफ हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, पूरी देश की जनता को स्पष्ट है कि आज विपक्ष के नेताओं पर जो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो कोई उनके खिलाफ खड़ा होगा, उसके पास एक चवन्नी भी ना हो, जैसे मनीष सिसोदिया के पास नहीं मिली इनको, ना उनके घर में, ना लॉकर में, ना पैतृक गांव में, ना उनके ऑफिस में, लेकिन फिर भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है। इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। सेकेंड नोटिस अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से नहीं आया, लेकिन आप लोगों का एक बड़ा कैंपेन चल रहा है कि केजरीवाल अगर तिहार में हो तो क्या वहां से सरकार चलनी चाहिए। ये क्या काफी प्रभाव डाल रही है आपके सरकार के कामकाज पर? यही नहीं पता कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, वो बाहर रहेंगे या जेल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जेल जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल क्यों, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जेल जा सकता है, क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती है। आज भी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयासों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हो रहे कामों को रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी MHA का नोटिफिकेशन लेके आए, कभी कोई कानून लेके आए, कभी हमारे मंत्रियों को जेल में डाला, लेकिन आज भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल जेल भेजा जा सकता है, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि आज जेल भेजना भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है, क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं है। आज जेल भेजने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसीज को मिसयूज करके आपको जेल भेज देगी। सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताएं सही हैं? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं दिखाना चाहता हूं, आपको तो पता ही है, जो लोग यहां बैठे हैं वो देखें। यह है आम आदमी पार्टी का हाल के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें क्या ट्रैक रिकॉर्ड था, और अगर हम देखें तो जो नोटा से खराब स्थिति है आप लोगों की, ये देखिए, मध्य प्रदेश में 66 उम्मीदवार थे, जीता कोई नहीं, कुल मिला के जो वोट शेयर था वो था 0.54, 5.4%। राजस्थान में 88 उम्मीदवार थे, वोट आए 1,48,000, एक सीट पे नहीं पूरे राज्य में, जो कुल वोट शेयर था वो था 0.38%। छत्तीसगढ़ में 57 उम्मीदवार लड़े 90 सीटों पर, 1,44,000 वोट आए, 0.93। मिजोरम में 4 लड़े, 615 वोट आए, 0.09। ये सर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है हाल के विधानसभा चुनावों का। आपको ये लग रहा था कि BJP को मात देने वाली, मतलब आपकी बातें सुनो तो वो बड़ी बड़ी लगती हैं कि आप BJP को किसी तरीके से हरा देगी, ये तो मिजोरम में 615 वोट, छत्तीसगढ़ में 1,44,000, राजस्थान में 1,48,000, ये क्या हो रहा है? क्या आपका जो प्रॉमिस था वो नहीं पहुंच रहा क्लियरली, क्यों हो रहा है ये? भारतीय जनता पार्टी एक 5-7 दशक के जनसंघ के इतिहास के बाद जब जन्मी तो उसे अपना पहला राज्य जीतने में 10 साल लगे थे। आम आदमी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल के भीतर हमारी 2 राज्यों में सरकार है, 11 सांसद हैं, अनगिनत विधायक हैं और इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप के नाम से जानी जाती है। बहुत बार चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाई मुस्तैदी से लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, बहुत बार सरकार बनाने के लिए लड़ा जाता है, बहुत बार संगठन बनाने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि आपने इन चारों राज्यों की बात करी
मैं आपको ये बता दूं कि इन चारों राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। और दूसरी चीज़ जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन तीन राज्यों में जीत दर्ज करा ली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। चार बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इन चार बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। जब चार राज्यों में चुनाव हुए तो मैं क्यों ना जोड़ू। चलो मैं पांच राज्यों की बात, फिजिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में, बायोलॉजी के मार्क्स थोड़ी जोड़ के कहते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी मिला दो तो मेरे साइंस में इतने आए। ऐसे मैं आगे चलता हूं तो बेस्ट ऑफ फोर थोड़ी देखा जाता है, आपको कोई बेस्ट ऑफ थ्री या बेस्ट ऑफ फोर भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं। मुझे अगर आदमी ना पकड़ पाए बोले यार ये तो बड़ी कमाल की बात कर रहे कांग्रेस के ज्यादा वोट आए थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए चार राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। चारों राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के चार राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ थ्री दिखाओ? मैं तो चारों राज्य दिखाऊंगा। मेरी आगे बात सुनिए, चार बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज, दूसरी चीज, चार भी छोड़िए राहुल जी, पांचों राज्यों की बात करते हैं। पांच राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन पांचों राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीट हैं। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं, लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन पांचों राज्यों में मिले, तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी, यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक भी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों के चुनावों को देखते हुए। विधानसभा के चुनाव थे उसमें लोकल इश्यूज पे साधारण तौर पे चुनाव होता है, आप उसको जोड़ के कर रहे हैं ये, बट इसी तरह की मैट जहां गड़बड़ रहती है ना आपकी सेफोलॉजी ऐसी करके आपको लग रहा था कि आप गुजरात में जीत रहे हैं, आप तो कॉन्फिडेंट थे, लिख के दे रहे थे कि जीत रहे, और गुजरात में हुआ ये कि एक विधायक तो इनका कल ही छोड़ के चला गया, पहले 6 थे अब उसमें भी एक निकल गया। कोई जनता तो छोड़ के नहीं गई ना, विधायक ही गया है, जनता तो आज भी साथ खड़ी। और बड़ी बात देखिए, ये कहना उचित नहीं है कि राज्य का चुनाव लोकल मुद्दों पर होता है। जब भाजपा जीत जाती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे जीती, जब मैं कोई दूसरे आंकड़े दिखाता हूं तो कहते हैं राज्य का चुनाव तो लोकल स्तर पे होता है, ये बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी लेकिन 19 में भाजपा की सरकार बन गई, 2003 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी कांग्रेस की सरकार बन गई, तो फिर 23 में तीनों राज्य भाजपा जीत गई, उस लॉजिक के हिसाब से भी 24 का चुनाव भाजपा को हारना चाहिए। राघव जी ने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट में दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि जो चुनाव से पहले वायदे किए जाते हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं। अगर हम देखें आम आदमी पार्टी, चूंकि राघव आप पंजाब से वास्ता रखते हैं, जो वायदे किए गए, एक था कि हम ड्रग्स को ख़त्म कर देंगे, एक था कि हम इनकाउंटर्स ख़त्म कर देंगे, कल ही दो इनकाउंटर होते हैं, एक लुधियाना में होता है, एक जीरकपुर में होता है। ड्रग्स की बात की जाए तो 144 ड्रग ओवरडोज के केसेस बीते साल
पंजाब में हुए, जो कि देश में सबसे ज्यादा था। राजस्थान नंबर टू पे था, वो ज्यादा बड़ा स्टेट है, पंजाब तो छोटा स्टेट है। 117 केसेस वहां पे थे। अगर हम ड्रग्स की रिकवरी की बात करते हैं तो 7433 थे, जबकि इन लोगों के पावर में आने से पहले 5736 थे। तो मतलब ये बढ़ रही है। तो जो जो आपके वायदे थे कि हम ड्रग्स को खत्म करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करेंगे, ओवरडोज डेथ्स को खत्म करेंगे, ये तो गंगा जी उल्टी जा रही है। देखिए, दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए, ड्रग्स का और गैंग्स का, गैंगस्टर्स का। पहली चीज तो हमारी सरकार 2022 में पंजाब में आती है, ये ड्रग्स और ये गैंगस्टर्स कोई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा या भगवंत मान नहीं लाए। ये पुरानी सरकारों की उपज थी, एक लेगेसी थी, चलती आ रही थी, हमने इनहेरिट करी और हमने कहा कि हम इनका मुकाबला करेंगे। ये चुनौती है, बड़ी चुनौती है, इसका सामना करेंगे। दूसरी चीज, आपने दो एनकाउंटर्स की बात करी, हमने ये नहीं कहा था हम एनकाउंटर खत्म करेंगे, हमने कहा था हम गैंगस्टर खत्म करेंगे। अब गैंगस्टर खत्म करने के लिए एनकाउंटर करना पड़ेगा, तो पंजाब पुलिस एनकाउंटर करेगी। कल लुधियाना में जो एनकाउंटर हुआ, उस शख्स को 18 केसेस में वांटेड करार दिया गया था। एक बड़ी हॉट चेज में लुधियाना में पंजाब पुलिस को सफलता मिली, ये हमारी असफलता नहीं है। और हम बड़ी बेबाकी से बात कहते हैं कि जो भी पंजाब के गैंग्स हैं, या तो पंजाब छोड़ दें, नहीं तो पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मजबूती से आपका सामना करेगी और अंजाम वही होगा जो लुधियाना में हुआ। दूसरी चीज, आपने नशे की बात उठाई, नशे का जो विषय है वो हम सबके हृदय के बड़ा करीब है, क्योंकि पंजाब ने एक पूरी जनरेशन नशे से बर्बाद होते देखी है। पिछले एक साल में हाईएस्ट एवर रिकवरी ऑफ ड्रग्स पंजाब में हुआ, जिसमें 1400 केजी हीरोइन पंजाब सरकार ने जब्त करी। हाईएस्ट एवर एफआईआर रजिस्टर हुई, जिसमें 13,000 एफआईआर एनडीपीएस की धाराओं के तहत रजिस्टर हुई। और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पंजाब पुलिस ने नशे के एक मामले में पहली बार अगर कभी करी है तो इस साल करी है, 16,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। यानी कि नशे को जड़ से समाप्त करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। समय लगेगा राहुल जी, गैंग से डील करने में भी और नशे से डील करने में भी, लेकिन प्रतिबद्धता है। सबसे बड़ी बात जो पुरानी सरकारों में और हमारी सरकारों में फर्क है कि पुरानी सरकारें गैंग्स और ड्रग्स को संरक्षण देती थी, सरकारें ड्रग लॉर्ड और गैंगस्टर चलाते थे। यहां सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, ये गैंग्स और ड्रग्स समाप्त करके पंजाब को रंगला बनाने का क्या ये बात सही है कि आप पंजाब के सुपर सीएम हो, कि मतलब रिमोट कंट्रोल की चाबी आपके पास है, आप ही चलाते हो पीछे से? देखिए, मैं बड़ा छोटा सा मारे हो मैं, क्योंकि हर बार आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। मैं छोटा सा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे राज्यसभा सांसद बनाकर एक जिम्मेदारी दी हुई है, मैं वही जिम्मेदारी निभाता हूँ। मेरी जहाँ जहाँ सेवाएं पार्टी लगाती है, ड्यूटी लगाती है, मैं करता रहता हूँ। ना मैं कोई सुपर सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मुझे वही रहने दीजिए। आतिशी जी, मैं चर्चा करना चाहता हूँ दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। मैं कुछ जो हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी एक विजुलाइजेशन सबको दिखाता हूँ, जिसमें दिखता है कि किस तरीके से अभी भी पंजाब में काफ़ी आग लगी हुई है। मतलब पहले की तुलना में संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत फार्म फायर्स हैं। लेकिन अगर हम आप ही के नेताओं के कैंपेन भाषण सुने, जिसमें आप कह रहे थे हम आए और प्रदूषण की समस्या खत्म, ये देखिए 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है ये तस्वीर, जहाँ पे किस तरीके से पंजाब में जो आग लगी है खेतों में उसकी संख्या बढ़ रही है। देखिए 28 अक्टूबर आते आते कितनी बढ़ जाती है, और फिर एकाएक पूरे राज्य में आग ही लगी हुई है सब तरफ। तो ये तो आपने कहा था कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, जो आपने जो टाइमलाइन खुद ही सेट की थी उससे तो कुछ किया नहीं आपने उस हिसाब से। देखिए राहुल जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि सरकार लोग चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए, कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी बात यह है कि आपको आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है कि हम अपने 5 साल के वादे 1 साल में पूरे कर देंगे, ऐसा आपकी बात से लगता है। बिल्कुल राहुल जी, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पंजाब में स्टबल बर्निंग कम करेंगे, हम वहाँ से आने वाले प्रदूषण को कम करेंगे। और जैसा आपका ही डेटा दिखा रहा है, मैं अक्सर आपकी वेबसाइट और ट्विटर पे देखती रहती हूँ, आपके इंटेलिजेंस, डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का डेटा खुद दिखा रहा है दैट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग इन ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगर सबसे ज़्यादा रिडक्शन किसी स्टेट में हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 1 साल में।
यही डेटा अगर आप हरियाणा का देखिए, यही डेटा अगर आप उत्तर प्रदेश का देखिए, तो ये नज़र आता है कि उन सरकारों ने एक चवन्नी भर भी रिडक्शन का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, ना सिर्फ पर आपने कहा वो पूसा यूनिवर्सिटी का डीकंपोजर है, वो डीकंपोजर हम छिड़क देंगे। अब सुन लीजिए पूरी बात, दिल्ली का प्रदूषण पंजाब से आता है, उसके साथ हरियाणा से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है। ना सिर्फ ये, आज अगर आप ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे आ रही थी, थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ करी। आज दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट है, जो देश में सबसे बड़ी फ्लीट है। किसी भी और आज किसी भी शहर में इतनी इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। आप NCR को देखिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, आपको पता है इन सारे शहरों को मिला के NCR में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस हैं? गेस करिए, 100, 200, 500, कितनी है? राघव बताओ भाई। नहीं नहीं आप बताएं। आप बताएं। टोटल इलेक्ट्रिक बसेस पूरे NCR, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ऑल रूल्ड बाय BJP स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इज जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को रिकग्नाइज करिए। हम और बेहतर प्रयास करेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब कि प्रदूषण दिल्ली में क्यों हो रहा है और आसपास के राज्यों की सरकारों को देना पड़ेगा, हरियाणा को भी देना पड़ेगा। डीकम्पोजर है, इसको छिड़क देंगे पंजाब के खेतों में, सब पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, पंजाब में डीकम्पोजर भी यूज हो रहा है, पंजाब में क्रॉप पैटर्न्स भी चेंज करने पे काम हो रहा है, पंजाब में स्टबल को हम अलग अलग प्रयासों से किस तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे अदर इंडस्ट्रीज हो, उन सारे प्रयासों पे काम चल रहा है। लेकिन आपको भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सारे सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकारों से क्यों पूछे जाते हैं? नहीं, आज आपके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल उनसे पूछना तो बनता है ना, कि क्या दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसे दिल्ली से आ रहा है? प्रदूषण का ऐसा लगता है कि प्रदूषण को ना दिल्ली की एक बाउंड्री दिखती है, कि दिल्ली की एक जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस पर कोई इनविजिबल सी दीवार बनी हुई है और सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। आई डोंट नो, आप तो काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कुछ दिन पहले जब प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा हुआ था, तो एक वीडियो वायरल हुआ था नोएडा का, रूल्ड बाय BJP। वहाँ पे जो ये मॉनिटर्स होते हैं एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, जहाँ पे एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक मॉनिटर था जो बताता है कि कितना प्रदूषण होता है, वहाँ पे यूपी सरकार ने एक वाटर की स्मॉग गन लगाई हुई थी कि उसके फिल्टर के ऊपर पानी आता रहेगा तो रीडिंग गलत आती रहेगी कि वहाँ पे पोल्यूशन कम हो रहा है। देखिए राहुल जी, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह स्मॉग गन लगा के मॉनिटर पे पोल्यूशन कम नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला के पोल्यूशन कम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी ला के पोल्यूशन कम करते हैं। आज दिल्ली में 30% बिजली जो यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रही है। पंजाब में स्टबल बर्निंग कम हो रहा है, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, पर हम ये भी चाहेंगे कि और लोग भी इसमें भागीदारी करें, और राज्य भी इसमें भागीदारी करें, और केंद्र सरकार भी इसमें भागीदारी करें। अच्छा, भारत में जो ज़्यादातर नेता रहते हैं उनकी साधारण तौर पे एक छवि रहती है कि कुर्ते पजामे में रहते हैं, अपने आप को बड़ा सरल दिखाते हैं। आपने देखा कि आतिशी और राघव दोनों, और ख़ास तौर से राघव, हर स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए चलते हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बड़ी फिल्मी बॉलीवुड शादी भी की, और मैंने तो बाई गॉड कोई नेता इंडिया में देखा ही नहीं है जिसने कभी भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन किया हो। इसमें कोई परहेज नहीं है, बट इंडिया के जो नेता होते हैं ना, बड़े अपनी इमेज को केयरफुल लेके चलते। कुछ तस्वीरें हमारे पास, वो देखिए। अच्छा, आतिशी ज़्यादा हंस रही, राघव शर्मा रहा है, आतिशी हंस रही, उनको लगा फंसाइए बच्चों, और ये दिख रहे हैं बॉलीवुड स्टार जैसे, और ये तो है ही बॉलीवुड आपकी वाइफ। कंग्रेचुलेशंस राघव, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसका दा रहे हैं बॉलीवुड से ऑफर कि छोड़ो, क्या कर रहे हो भाई, यहाँ तो राज्यसभा छोड़ो, आओ बॉलीवुड मुंबई। राहुल जी, मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती, और अगर मैंने कभी अपना हाथ आजमाया भी, I'll be an absolute failure at acting. क्यों, कई कई लोग कहते हैं कि politics करना और acting similar नहीं है? Well, वो दूसरी पार्टी के नेता हैं जो एक्टिंग करते हैं, हमसे तो ना एक्टिंग होती है ना हमें आती है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपने मुझे शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, एक अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, इट्स अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ,
एंड आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड टू हैव परिणीति बाय माय साइड एंड मेरी जिंदगी कई मायनों में बदल गई है. कैसे बदली बताइए. देखिए कोई भी बैचलर जो होता है वो एक बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेसफुल जिंदगी जीता है. मेरे जीवन के लगभग हर पहलू में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है. मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं तो हमारी शादी से पहले जिंदगी शुरू होती थी, सुबह शुरू होती थी आधा दर्जन अखबार पढ़ के स्ट्रेसफुल फ़ोन कॉल्स के साथ. आज सुबह उठकर सबसे पहले एक घंटा ध्यान मेडिटेशन करते हैं. इतनी छोटी सी चीज़ जो उन्होंने सिखाई उससे ज़िंदगी में एक बहुत बेहतरीन बदलाव आया है और हर पहलू में आई ट्रूली थैंक गॉड यू नो कि उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपेनियनशिप एक ऐसी कंपेनियन दी हैं जिनके साथ मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है. इट्स चेंज फॉर द गुड एंड ज़िंदगी संवर गई है. आतिशी आपको लगता है कि राघव ने थोड़ा फंसा दिया आपको इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की बड़ी सरल आम आदमी टाइप की है. मतलब बड़ी शादी होगी पांच सितारा उदयपुर में तो उस तरह की इमेज नहीं थी. आपको लगता है कि थोड़ा सा ये शादी इंसान एक बार करता है जीवन में. हाँ. अब वो तो अच्छे से करने दीजिए यार. नहीं नहीं होपफुली आदमी एक ही बार करे शादी. एक ही बार जरूरी है बड़ा. लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा ये जो आपकी इमेज है उसके कॉन्ट्ररी मतलब ये फाइव स्टार टाइप की इमेज आई थोड़ी सी. देखिए आपकी इमेज राघव की शादी कहाँ पे हुई उससे नहीं आती है. आपकी इमेज आती है हमारे कामों से जो दिन रात हम दिल्ली के लोगों के लिए पंजाब के लोगों के लिए करते हैं. आम आदमी पार्टी की इमेज आती है जो गरीब घरों के बच्चे आज आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हैं. आज जो दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार को लाखों रुपए का इलाज फ्री मिलता है. आम आदमी पार्टी की इमेज आती है उस महिला से जिसको काम पे जाने के लिए बस में किराया नहीं देना पड़ता. सो आई थिंक लोग हमें हमारे काम से हमारी इमेज बनाते हैं ना कि किसी ने क्या कपड़े पहने और किसी ने कहाँ पे शादी की. देखिए इतना अधिकार तो हर व्यक्ति को ही होना चाहिए कि वो कहाँ पे शादी करें और क्या कपड़े पहने. एज लॉन्ग एज देखिए आप हमसे हमारी ईमानदारी पे सवाल उठा सकते हैं लेकिन अगर कोई अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को अपनी शादी में खर्च करना चाहे तो मुझे लगता है उसमें सवाल उठाना गलत है. आप दोनों का रिश्ता कैसा है कि आप में कंपटीशन है कि मतलब दो यंग ब्राइट स्टार्स की वैसी वाली फीलिंग है या नहीं. बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसा राजदीप और आपके बीच में है. अच्छा ये दे रहा है. अच्छा अब या अंजना ओम कश्यप और आपके बीच में. तो इसमें अब आपको क्या पता कि वो रिश्ता अच्छा है या बुरा. आप बताइए जो आप जवाब देंगे मैं उसे कॉपी कर दूंगा. आप मुझे बुला लीजिए मैं अलग से कर दूंगा. अभी तो आप जवाब दीजिए मुझे मत उलझाइए. देखिए मैं आम आदमी पार्टी ना एक छोटी सी पार्टी है. जैसे एक स्टार्टअप होता है ना एक स्टार्टअप रहता है ना कि बॉस का ब्लू आइड कौन. हम ब्लू आइड आतिशी है या राघव. हम लोग एक परिवार है. जैसा आपके कितने बच्चे हैं राहुल जी. एक की दो बच्चे हैं. आपको दोनों में से ज्यादा प्यारा मतलब ही नहीं है. दोनों ही आपको अपनी दाई आंख ज्यादा प्यारी की बाई आंख ज्यादा प्यारी. अब आप ऐसे घुमा रहे हैं तो सब नेता के लिए सारे उसके साथी उसके वर्कर्स कौन है आतिशी या. मैं आपको एक बात बताती हूँ इंटरेस्टिंग. अभी मैंने कहा ना आम आदमी पार्टी स्टार्टअप की तरह है. एक्चुअली कॉम्पिटिशन तो होना इसलिए संभव है क्योंकि कॉम्पिटिशन तो तब हो जब काम कम और लोग ज़्यादा हैं. हम रिवर्स सिचुएशन में हैं. हमारे पास काम ज़्यादा है लोग कम है और भारतीय जनता पार्टी एक एक करके हमारे सारे नेताओं को जेल में डालती जा रही है तो उससे लोग और भी कम होते जा रहे हैं. सो वी आर ऑल हम एक बहुत अच्छे वर्किंग एनवायरमेंट में काम करते हैं. एंड आई थिंक दैट द मोर पीपल दैट आर इन आवर पार्टी द मोर स्ट्रेंथ दैट वी गेट. And that is how we all work. मैं आपने कहा कि आप कुछ काम कर रहे हैं. एक जगह जहाँ पे काम थोड़ा दिखा वो था शिक्षा के क्षेत्र में. मैं जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था तो कैनेडी में एक टीचर थी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से जिनको फेलोशिप मिली थी जो कि पढ़ने गई थी. बड़ी सरल सी साधारण सी फैमिली से आ रही थी लेकिन उनको फेलोशिप मिली और वो पढ़ रही थी. मेरे को सबसे बड़ी चिंता थी कि वहाँ पढ़ने के बाद वापस आके पढ़ाएंगे कि नहीं या दूसरा कुछ करेंगे. लेकिन वो एक दूसरा सवाल है. मैं चर्चा करना चाहता हूँ ये इंडिया अलायंस की. अभी तीन हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की हार हुई उसके बाद आपको लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब में कुछ समीकरण बैठ सकता है आप दोनों पार्टियों का. देखिए अगली बैठक इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को है. उस बैठक में आगे कैसे सीट शेयरिंग और साथ मिलकर चलना है क्या ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना है इन सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. मेरा अपना ये मानना है कि 1 vs 1 के फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो अवश्य एक वैकल्पिक सरकार एक नई सरकार एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हम इस देश को दे सकते हैं. जी
इस प्रकार के प्रयोग पहले भी हुए। हमने देखा कि 1977 के चुनाव में कैसे तमाम पार्टियां एक छतरी के नीचे आईं, जिसमें वामपंथी भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, और सबने मिलकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को हराया। इंडिया गठबंधन पिछले कई महीनों से, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, तो बहुत रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट मेरा विश्वास है कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इन चुनावों से जो नतीजे आए हैं उससे एक प्रकार से पॉजिटिव भी लेते हुए और सीख भी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव मतलब कांग्रेस थोड़ी जमीन पे आई, पहले ज्यादा उड़ रही थी। पॉजिटिव दोनों चीजों तरीकों से, एक तो कि सब साथ बैठ के मिलकर कैसे इस देश को महंगाई बेरोजगारी मुक्त बनाना है उस पर काम करेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े उन सबका वोट शेयर बढ़ा है, और कांग्रेस की जहां 2019 में इन 5 राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती, बिल्कुल ऐसा होता है और होते हुए नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे नहीं, यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए क्योंकि 3 राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। मैं इसी बीजेपी के इस क्लेम को होक्स करार देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अब इंडिया गठबंधन बैठेगा, दिल्ली पंजाब सब पे चर्चा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे, केरल पे भी करेंगे, यूपी पे भी करेंगे, और साथ आकर एकजुट होकर। आतिश जी, मैं चाहता हूं कि जो पीछे स्क्रीन पे तस्वीरें चलने वाली हैं उनको आप जरा गौर से देखें। इसमें वो तमाम नेता हैं जब आप लोग विपक्ष में थे 2014 से पहले, जिनको आप भ्रष्ट, महाभ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट करार दे रहे थे, अब आप लोग उन्हीं के साथ बैठे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ये तो एक तरीके से सब डूबती हुई पार्टियां हैं, और चूंकि जैसे लालू, किसी को भी आप उठा लीजिए, शरद पवार जी हैं, लालू जी हैं, मतलब इन्हीं के खिलाफ तो आप लोगों ने मोर्चा खोला, अब इन्हीं के साथ आप चाय बिस्किट खा रहे हैं। देखिए, राजनीति किसी भी समय पे देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए होती है, उन मुद्दों को उठाने के लिए होती है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, है और रहेगा, लेकिन आज उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी आपको देश के संविधान की जरूरत है, और आज इस देश का संविधान खतरे में है, और इसलिए इन सब पार्टियों का साथ आना जरूरी है। आज आप देखिए कि गैर संवैधानिक तरीके से संसद में दिल्ली सरकार की सारी ताकत छीनते हुए एक बिल लेके आ जाते हैं, और उसके बावजूद आज कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है। आज आप देखिए कि संसद में एक बिल आ जाता है कि जो आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, जो सबसे न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर होते थे, उनको हटाकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में ला दिया जाता है। ये आज संविधान का हनन हो रहा है। तो आज हम देखते हैं कि देश भर में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, और आज जो ये सारी पार्टियां साथ आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रही हैं कि हमें राजस्थान जीतना है, हमें मध्य प्रदेश जीतना है, हमें दिल्ली जीतना है, हमें पंजाब जीतना है। आज ये सारी पार्टियां इसलिए साथ आ रही हैं क्योंकि हमें इस देश के संविधान को बचाना है, और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ना है तो उसके लिए इस देश के संविधान की जरूरत होगी, इस देश में मीडिया के इंडिपेंडेंस की जरूरत होगी, इस देश में जुडिशरी पे प्रेशर ना बने उसकी जरूरत होगी, इस देश में हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज इंडिपेंडेंट रहें उसकी जरूरत होगी, और इसके लिए ही इंडिया गठबंधन का साथ आना ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बट बिल्कुल महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है। वो जो आंकड़े थे मॉर्निंग कंसल्ट के, वो बताते हैं कि 76% अभी भी मोदी जी की लोकप्रियता है। उसकी एक वजह ये भी है कि विपक्ष की कोई एक ठोस सोच नहीं है। आप लोग एंटी मोदी हैं, एंटी बीजेपी हैं, ये तो साफ है, लेकिन आप लोगों का कोई एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत लोगों को लगे कि नहीं यार, मैं इन पे विश्वास कर सकता हूँ। आपस में तो लड़ते रहते हैं, कभी आप एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं। अब ऐसे में क्या वो मैसेज है जिसको लेके आप जनता कह जा रहे हैं, राघव, यहाँ पर बैठे लोग क्यों दें आपको वोट? राहुल जी, किसी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कम हम लोगों को तो कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत की ओर काम करते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव में दो दो हाथ सारी पार्टियां करती हैं, तो इसमें कोई किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारा क्या आइडिया है? आपने कहा आपके पास आइडिया क्या है, क्या चीज़ है जो आप लोगों के पास लेकर जाते? राहुल जी, जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए।
हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे बड़ों बुजुर्गों को, महिलाओं को 1,000 रुपये उनके बैंक में डालकर सहायता राशि देंगे। तब ये भाजपा के लोग हमें कहा करते थे कि रेवड़ी बांट रहे हैं, कंगाल हो जाएगी सरकार, इस ऐसे थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं। आज यही भाजपा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो कहती है 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वोट दे दो, 1,000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में डालेंगे, वोट दे दो। यहाँ तक कि भाजपा के उस समय के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो छाते और चप्पल तक बांटे थे वोट लेने के लिए। आम आदमी पार्टी ने एक आइडिया दिया इस देश में, वो है वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स का, लोक कल्याणकारी नीतियों की पॉलिटिक्स का, जो एक परिवार के लिए सरकार एक वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करती है ताकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य आपको मिलना चाहिए वो मिलता है। आप कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब में ये चीज, ये बात कोई आज तक के मंच पे नहीं तय होगी, ये तो जब हम गठबंधन की बैठक होगी, आमने सामने बैठेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, तो सारे राज्यों पे, दिल्ली पे भी चर्चा करेंगे, गुजरात पे भी चर्चा करेंगे, ये बताइए, मध्य प्रदेश भी करेंगे, सारे राज्यों, पूरे भारत देश पे सारी पार्टियां बैठकर चर्चा करेंगी। देखिए मैं आपके हिसाब से कांग्रेस की दिल्ली में कितनी सीटों पर हैसियत है? आप मैं बताता हूँ, देखिए आज जितनी पार्टियां उस कमरे में बैठती हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक बतौर नॉमिनी इनमें से कई कमेटियों पर बैठता हूं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हम लोग जब उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे के भीतर बैठते हैं, तो तीन चीज़ों को छोड़कर, कमरे के बाहर छोड़कर इस कमरे के भीतर जाते हैं। पहला है मतभेद, दूसरा है मनभेद, और तीसरा है महत्वाकांक्षा। अगर ये तीन चीजें हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़नी तो चाहिए या छोड़ के जाते हैं? छोड़ के जाते हैं सर, 3 महीने से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपको कैसे पता? वो सब हो सकता है, हम रोज सुबह फोन पे बात करते हैं, हो सकता है हम रोज जूम पे मीटिंग करते हैं, हो सकता है हमारी गूगल मीट मीटिंग आज शाम को भी हुई थी। सर आप लोगों के यहां कुछ सीक्रेट रहेगा नहीं, आप बीजेपी थोड़ी की सीक्रेट बचा के रखेंगे, आप कितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। अभी हमने बहुत बातें आपसे छुपाई हुई है, चिंता नहीं करिए। लेकिन कहने की बात, कहने का मतलब मेरा ये कि अगर ये तीनों चीजें, तीन म से शुरू होने वाले शब्द, मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, अगर ये तीनों हम छोड़ दें तो साथ आकर हर सीट पर, हर राज्य की बात करेंगे, सीटों के बंटवारे पे भी बात करेंगे, चौथा मिलकर चुनाव लड़ने की बात, जो कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है एक्चुअली, वो है मोदी। लेकिन अगर हम उस मुद्दे पे अभी आएंगे तो बहस लंबी चलेगी, घड़ी ये संकेत दे रही है कि वक्त खत्म हो चुका है। आतिशी जी आप आई, और राघव भाई आपको मुबारक भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, मतलब काफी, मतलब अलग एक नया रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप भी करिए मेडिटेशन शुरू, अगर नहीं करते आपकी जिंदगी में भी अच्छा प्रभाव आएगा। मैंने अभी तक तो पढ़ा था, लोगों से सुना था, आप शुरू किया है तो इट्स अ बिग चेंज। कहीं आतिशी को ये ना लगे ध्यान भटक रहा है आपका, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।